गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन. चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन दिस चैप्टर टोटल 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट. पेज नंबर 84 इफ यू हैव टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 84 फर्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चंस और टॉपिक्स बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर वी हैव कंप्लीटेड. टॉपिक्स बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल वी हैव कंप्लीटेड. ओनली 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट. फर्स्ट वन इज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Characteristics of financial management. So today I brought textbook, that's why I can complete these 3 topics in the same lecture, and in this way this chapter will be completed. So first of all, meaning of financial management. Financial management is the process of before characteristics of financial management. Definition of financial management is acquiring of funds its utilization through proper allocation. Financial management is the process of acquiring of funds, its utilization through proper allocation. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम फंड्स एक्वायर करते हैं. एक्वायर का मतलब है डिफरेंट सोर्सेज से पैसा अरेंजमेंट करते हैं, और किस सोर्स से कितना पैसा अरेंजमेंट करना है वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर. दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स वी हैव टू डिसाइड हाउ मच मनी वी हैव टू अरेंज फ्रॉम ऑनर्स फंड एंड व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड फंड एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. कितना पैसा उधार से, कितना पैसा ऑनर्स फंड से अरेंज करना है. दैट सच टाइप ऑफ डिसीजंस व्हेन वी आर टेकिंग दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पैसे से रिलेटेड कुछ भी विचार करना, कुछ भी डिसीजन लेना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आफ्टर एक्वायरिंग फंड्स देन हाउ टू यूटिलाइज दोज अरेंज्ड फंड्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. That is called its utilization, and how we can utilize the fund in the best possible manner through proper allocation. Allocation means जितना भी पैसा हमने arrange किया है उसको proper way में distribute करना पड़ेगा, use करना पड़ेगा. For example, purchase department है, उसको raw material purchase करने का है, कितना पैसा उनको चाहिए. और भी उनके खर्चे हैं, अगर प्रोडक्शन करने में मशीनरी परचेज करनी है या उसकी रिपेयरिंग में कोई खर्चा है तो उनका एक बजट तैयार होता है. ऐसी सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स मैनेजर, उनको वस्तु बेचनी है, उसमें ऐड करना है, उसमें कितना खर्चा है, या सेल्समैन की सैलरी है वो कितना है. तो सारा एवरी डिपार्टमेंट इज प्रिपेयरिंग देयर बजट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट बजट फाइनेंशियल मैनेजर इज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल फाइनेंस टू और अमंग ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स थ्रू प्रॉपर एलोकेशन. एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. पैसा अरेंजमेंट करना, कहाँ से करना है, कितना करना है वो विचार करना, फिर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, सही तरह से पैसा यूज़ करना, अननेसेसरी कहीं पर वेस्टेज ना हो, और यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से करने के लिए सभी डिपार्टमेंट में, सभी एरियाज में उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल, वंस अगेन डेफिनेशन, जितनी जल्दी हो सके ये 3 टॉपिक है, तीनों इजी टॉपिक है, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, हार्डली 1 लाइन एक्सप्लेनेशन.
तो कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में हम ख़त्म करने की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़, अगर नहीं हो पाए बाई चांस तो एक लेक्चर और ले लेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस वंस अगेन ऑफ एक्वायरिंग ऑफ फंड्स और एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्वायरिंग और एक्विजिशन, एनी वन वर्ड यू कैन यूज, एक्विजिशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, देन इट्स यूटिलाइजेशन थ्रू प्रॉपर एलोकेशन। एंड इन सिंपल लैंग्वेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। यू कैन ऐड दिस सेंटेंस इन दिस डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली पॉइंट्स आई एम राइटिंग हेयर, एक्सप्लेनेशन आई एम डूइंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक डायरेक्टली ओरली। रीजन, सिंपल एक्सप्लेनेशन इज गिवन। कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, एनी फाइव पॉइंट्स यू कैन टेक। फर्स्ट वन इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 85। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज वाइड स्कोप। थर्ड वन इज बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। Then another point, easy point, goal of maximization of owner's economic welfare. Goal of कभी आपको हार्ड पड़ेगा, जो ईजी है वो ले लेते हैं, याद करने में मुश्किल पड़ेगा। Key position, fourth one is key position. की पोजीशन। एंड फिफ्थ वन इज इजी पॉइंट। पॉइंट का मतलब है पॉइंट भी याद होने चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन भी आप आराम से लिख सके, तो ऐसे ही पॉइंट आपको निकालने हैं। तो चार पॉइंट तो निकाल दिए मैंने। की पोजीशन, लास्ट वन इज इजी पॉइंट, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। Division into two parts. These are characteristics. Now explanation. Branch of management. According to textbook, I am just reading. कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। Financial management is a branch of management. Explanation is given. Financial management, FM, is a branch of management. देखो अब कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है। Financial management is a branch of management. Why? Because management includes, we all know, the functions of management are planning, controlling, directing, staffing, organizing. मैं एक ही बार लेना, लास्ट में बता दूंगा। तो financial management is a branch of management because management includes various functions like planning, controlling, directing, staffing. Management के अंदर ये सारे functions आते हैं। उसमें से दो function, planning and controlling, is also applicable in case of financial management. That is given in textbook. Financial management is a branch of management which includes the function of planning and controlling for the use of finance. We are using two functions of management, planning and controlling. वो planning and controlling financial management में हम कैसे use करते हैं? Planning बनाते हैं कि कितना पैसा हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हम एस्टिमेशन लगाते हैं बिजनेस में कितना पैसा चाहिए। एस्टिमेशन भी दो टाइप की है, वो लास्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। डिवीजन इनटू टू पार्ट्स,
मतलब कितना पैसा हमें फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने में लगाना है, मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है, अदर इक्विपमेंट्स खरीदने, उसमें कितना पैसा लगाना है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल। और एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीनरीज, वो आपको अकाउंट्स में मालूम है, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खरीदना हो, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी वैन, ट्रक, तो इन सब में कितना पैसा लगेगा। इसके अलावा डेली डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने में, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर्स की पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, उन सब में कितना खर्चा आएगा, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो दो टाइप के हम, मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ जल्दी, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए आज ही। तो हम ये दो टाइप की एस्टिमेशन करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल में कितना पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगेगा, कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है, यानी हो सकता है हमने लिस्ट बनाई हो उसमें कोई एक दो आइटम अननेसेसरी हम वी आर परचेजिंग, अभी डिमांड नहीं है मगर ऐसी चीज़ खरीदे जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो उसको हम कंट्रोल रोक सकते हैं पैसे को। तो इसका मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। कंट्रोलिंग मतलब जब पैसा अरेंजमेंट हो जाए, हम उसको जब यूटिलाइज करते हैं, तो वी हैव टू चेक वेदर वी आर यूटिलाइजिंग द फाइनेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और नॉट। मीन्स पैसे का यूटिलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कैन बी डन विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्च, जहाँ जहाँ पैसा कंट्रोल हो सकता है रोक सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन का काम खत्म हो गया है तो इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरी चल रहा हो उसको खत्म कंट्रोल करो, मतलब जहाँ भी हम कंट्रोल कर सकते हैं पैसे को वी शुड कंट्रोल इट। वो कंट्रोल कैसे होगा, जब हम चेक करेंगे। मीन्स वी आर अप्लाइंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मीन्स टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो, दैट्स वाई ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। तो एक ही लाइन एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर आपका, बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। रीजन, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो वी आर अप्लाइंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। वाइड स्कोप, इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आपकी जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस के अंदर, वो सब आप लिखो। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द बिजनेस, राइट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस टिल इट्स क्लोजर फाइनेंस इज नीडेड। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी फाइनेंस इज नीडेड। मीन्स ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फाइनेंस, विदाउट फाइनेंस वी कैनॉट टेक डिसीजन फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एनी वे यू कैन राइट। दस वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट has a wide scope. Base of managerial decision, common sense की बात है, there are different departments in business, purchase department, sales department, finance department, cost department, production department. वो जो सारे departments है, for example production department है, कितना production करना है, market में कितनी demand है, प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, उनको रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, लेबर को लगाने पड़ेंगे, लेबर को पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट का मतलब क्या, फाइनेंस, रॉ मटेरियल खरीदना है वो भी पैसे से आता है। मीन्स वॉट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग, देयर डिसीजंस आर रिलेटेड विद मनी इन द सेम वे। सेल्स मैनेजर, जो प्रोडक्शन हो गया है उसको मार्केट में सप्लाई करने का, कितना सप्लाई करने का है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा, सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल दो के साथ एक गिफ्ट, फ्री गिफ्ट देने का, उसमें पैसा जा रहा है आपका, फ्री में हमने तो बनाया है उसको खर्चा हुआ है हमारा पैसा। इसी तरह से ऐड का खर्चा आता है, ऐड एक्सपेंसेस। तो द डिसीजंस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स, व्हाट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग, देयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। मीन्स साउंड, वेदर फाइनेंशियल पोजिशन इज साउंड और नॉट, अच्छी पोजिशन पर कंपनी है या नहीं, उसके हिसाब से आप अपना बजट, अपना प्लानिंग बना सकते हैं, मतलब मैनेजर्स जो है। कैश इनफ्लो, इनफ्लो मतलब फ्यूचर में जो इनकम है वो रेगुलर होने वाली है नहीं होने वाली है, उसके ऊपर भी आपके डिसीजंस डिपेंड करते हैं। तो व्हाट, हाउ मच कैश इज अवेलेबल विद द बिजनेस, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एंड व्हाट इज द कैश इनफ्लो, वेदर कैश इनफ्लो इज रेगुलर और नॉट इन फ्यूचर। ऑन सच फैक्टर्स द डिसीजंस ऑफ ऑल मैनेजर डिपेंड्स, दैट्स वाई वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। और सिंपल लैंग्वेज में यह लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, आप एक बार पढ़ लेना, एक ही लाइन की एक्सप्लेनेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। इसको सिंपल और सिंपल करना हो तो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी लाइक परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स आर टेकिंग डिसीजन फॉर देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, बट देयर डिसीजन्स आर रिलेटेड विद फाइनेंस। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फाइनेंस विद द कंपनी और ऑन द बेसिस ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, मीन्स फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, दे आर टेकिंग सम डिसीजन।
वो अपने डिसीजन लेते हैं, मीन्स देयर डिसीजन आर बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। की पोजिशन नो डाउट, इसमें ये वाइड स्कोप का जो इंपॉर्टेंस, फाइनेंस का इंपॉर्टेंस है वो लिख के यू कैन राइट दस या सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होल्ड्स की पोजिशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के अंदर, दैट इज कॉल्ड की पोजिशन। तो आप इंपॉर्टेंस लिख के फाइनेंस की, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अगेन सेम एक्सप्लेनेशन। एंड डिविजन इंटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है जो प्लानिंग है हमारी, पैसा कहाँ से अरेंज करना है, उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो यूटिलाइजेशन जो है फाइनेंशियल पैसे की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल खरीदने में और एक वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, जो भी फिक्स्ड एसेट्स है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खरीदना, अदर इक्विपमेंट्स खरीदना, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। और डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए पैसा कैसे यूटिलाइज करने का है, कैसे लेबर्स को पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, कितने लेबर्स रखने चाहिए, कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए बिजनेस के लिए, ये सब चीज़ें क्या है, कस्टमर को कितना उधार बेचने का है, डेटर्स, डेटर इज करंट एसेट, और कितनी जल्दी कितने टाइम पीरियड के बाद उनसे पैसा वापस आ जाना चाहिए हमारे पास, ये सारे डिसीजन जो हम लेते हैं रिगार्डिंग डे टू डे रूटीन वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो लास्ट पॉइंट, डिविजन इंटू टू पार्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके आगे आप एक्सप्लेन कर दो, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, एंड एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। ऑनली यू हैव टू लर्न पॉइंट्स, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने की देर है, एक्सप्लेनेशन हार्डली एक या दो लाइन का ही लिखने का आपको इसमें। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ अ ब्रांच, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। वाइड स्कोप, इसमें जितना आपको पैसे के बारे में मालूम है, बिजनेस में पैसे क्या इंपॉर्टेंस है वो लिख के देन यू कैन राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ वाइड स्कोप, बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, सारे डिपार्टमेंट्स में जो मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स जिसको हम बोलते हैं, वो अपने डिसीजन जो लेते हैं वो डिसीजन अपने मर्जी से नहीं लेते, पैसा कंपनी के पास कितना अवेलेबल है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब अभी ऐसा तो नहीं कंपनी को बहुत सारे लोन पे करने, तो उसके ऊपर मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन, अवेलेबल कैश एंड कैश इनफ्लो इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितनी पैसे, कितना पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है, ऑन सच फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सच फैक्टर्स डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स आर टेकिंग देयर डिसीजंस, मीन्स देयर डिसीजंस इज टोटली डिपेंड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। की पोजीशन नो डाउट हमने पढ़ लिया है, दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, बिसाइड दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज अ वाइड स्कोप, दैट्स व्हाई, बस ये दो पॉइंट को आपको लिखने का है, दैट्स व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होल्ड्स की पोजीशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देन लास्ट पॉइंट, डिविजन इंटू टू पार्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज और इन ऑर्डर टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस टू लेबर्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड, फाइव पॉइंट्स यू हैव टू लर्न, हार्डली वन और टू सेंटेंस यू हैव टू लर्न फॉर एक्सप्लेनेशन। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्कोप, बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, की पोजीशन, डिविजन इनटू टू पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
importance of financial management. That is also very easy. एक फुट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ इंपॉर्टेंस, फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स. Second point, acquiring finance. Third one is utilizing finance through planning and controlling. Fourth one is distribution of finance. Fifth one is distribution of income. Easy point. Distribution of income. And sixth, last point, raising credit of business. So any 6 points of your own choice you can take. Here I have taken 6 easy points. First one is estimation of, first of all, what is the question? Importance of financial management. What is the importance of financial management in any business unit? First point is estimation of financial needs, then acquiring finance, then utilizing finance through planning and controlling. Fourth one is distribution of finance, then distribution of income, then last, raising credit of business. Raising credit means here raising reputation. Credit means here reputation. Now explanation of first point. One line explanation is given in textbook. Financial management estimates. This point we have already explained in previous topic. Financial management estimates how much long term means fixed capital, how much money is to be invested in fixed capital and how much money is to be invested in working capital. Such type of decisions are taken in financial management. Explanation is completed. Estimation of financial needs here means finance manager has to decide how much money is required to be invested in fixed capital and how much money is required to be invested in working capital, means for day-to-day expenses or for day-to-day requirements. The first point is completed. Second, acquiring finance. Acquiring finance means we already know that there are different sources to arrange money, to arrange finance. These are honors fund and borrowed fund. So how much money should be arranged through honors fund, means by issuing equity share or preference share, and how much money is to be issued through or by borrowing money, means by issuing debenture. So what should be the proportion of honors fund and what should be the proportion of borrowed fund so that maximum finance can be arranged with minimum cost. Such type of decisions are taken by finance manager. Acquiring finance के अंदर finance manager को capital structure के बारे में विचार करना पड़ता है, मतलब कितना proportion honors fund का होना चाहिए जो हम पैसा arrange कर रहे हैं और कितना पैसा borrowed fund का होना चाहिए जिससे हम जितना भी ज़्यादा पैसा arrange कर रहे हैं वो minimum कम से कम खर्चे पे हम arrange कर सके. That is called acquiring finance. तो ऐसे विचार financial manager को करने पड़ते हैं for business unit. Third one is utilizing finance through planning and controlling.
मीन्स आफ्टर एक्वायरिंग फाइनेंस, पैसा अरेंज करने के बाद हाउ टू यूटिलाइज द फाइनेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और वेदर फाइनेंस इज यूटिलाइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और नॉट, सच थिंग्स फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू सी थ्रू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू मेक प्लान्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देन वेदर दे आर यूटिलाइजिंग द फाइनेंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और नॉट. So he has to check through controlling process. Means planning and controlling process is adopted for the best utilization of finance. Fourth one is distribution of finance. After making plans and controlling regarding utilization of finance, then finance manager is distributing the available finance, the acquired finance, जो भी पैसे उन्होंने arrange किए हैं या जो भी पैसा company के पास है, how to distribute these available finance among different departmental heads so that they can run there, they can do their work in the best possible manner, they can perform their functions in the best possible manner. That's why every department has to prepare budget and after preparing budget, they are given available finance. Means in simple language, finance manager has to prepare a budget and according to budget, he has to distribute the available finance among all departmental heads so that they can perform their work in the best possible manner. Distribution of income. Income means money, that is also related with finance. So whatever income is earned by the company, whatever income is earned by the business unit, जो भी income, जो भी profit year end में company earn करती है, उस पर भी विचार करना पड़ता है finance manager को. क्या विचार करना पड़ता है कि how much should be kept aside in the form of saving and how much should be given in the form of dividend. जो भी earn करते हैं profit after making compulsory payment करने के बाद, compulsory payment means like electricity expense, interest on different types of loans, tax to the government. After paying all this compulsory payment, whatever profit is left out of those available divisible profit, how much should be kept in the form of saving, that is called retained profit, and how much should be given to the shareholders in the form of dividend. ऐसे विचार भी finance manager को करने पड़ते. Last one is raising credit of business. In order to increase the reputation of business, it is necessary for company to increase the wealth of shareholder. जो shareholders हैं उनकी wealth means share की value बढ़ानी है. तो कैसे share की value बढ़ाएंगे? By paying more and more dividend to the shareholders. In this way, they can increase the value of shares and ultimately they can raise the reputation of the business unit of the company in the market. So last point, raising credit of business. According to textbook, financial management significantly contributes in the progress and development of business. Efficient financial management generates financial facilities so that employees, salary, creditors' payment can be made in time. Means whatever finance is available to the company, out of those available finance, company must pay all the payments on time. For example, payment of salary of employees on time, they should make payment. Then payment of creditors means creditors who are from whom we are purchasing goods or debenture holders, then pay taxes to the government timely. So in this way all payments should be made in time. In this way, by making payment on time, company can raise the reputation, can increase the reputation of business units. So characteristics and importance of management is completed. Only one topic is left, that is objective of financial management on page number 85. And after that, chapter will be completed.